इस साल सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है। दूसरा सावन सोमवार कई मायनों में खास है। इस दिन चार शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की कृपा के साथ साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। उन्नति, सुख, सौभाग्य और मनचाहे जीवन साथी की मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। त्रिदेवों के साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। सावन सोमवार व्रत रखने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन के दूसरे सोमवार पर बनने वाले चार संयोग बेहद ही खास हैं। इन संयोग को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावन के सोमवार बेहद ही शुभ होते हैं और बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। 17 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार पर चार शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सोमवती अमावस्या है और सावन की हरियाली अमावस्या भी है। इसके अलावा रुद्राभिषेक के लिए शिववास भी है। इस दिन पुनर्वर्षु नक्षत्र है। चलिए हम जानते हैं इन सारे शुभ संयोग को संक्षिप्त में। सोमवती अमावस्या सावन को पड़ रही है। आपको बता दें, सावन के दूसरे सोमवार को सावण अमावस्या है, लेकिन दिन सोमवार होने के कारण यह सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन पर दूसरा संयोग है हरियाली अमावस्या का। जी हाँ, दूसरे सावन सोमवार के दिन हरियाली अमावस्या का भी सुंदर संयोग बन रहा है। हर साल श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन प्रकृति की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर देव, पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, नीम, बरगद, शमी आदि लगाए जाते हैं। इनकी सेवा करने से देव और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। श्रावण में दूसरे सोमवार को सबसे बड़ा संयोग है रुद्राभिषेक के लिए शिववास। जी हाँ, सावन के दूसरे सोमवार पर रुद्राभिषेक के लिए शिववास भी है। बिना शिववास के रुद्राभिषेक नहीं किया जाता। 17 जुलाई को शिववास माता गौरी के साथ हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर रात्रि तक शिववास है। आप सुविधा अनुसार किसी भी शुभ समय में रुद्राभिषेक कर सकते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन में चौथा संयोग बन रहा है पुनर्वर्षु नक्षत्र। जी हाँ, दूसरा सावन सोमवार पुनर्वर्षु नक्षत्र में है। इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। देव माता अदिति पुनर्वर्षु नक्षत्र की इष्ट देव हैं और यह राशि चक्र का सातवां नक्षत्र है, इसलिए ये बेहद ही खास रहने वाला है। आपको बता दें कि सावन के सोमवार का क्या महत्व होता है। सावन माह भगवान शिव को बेहद प्रिय है और वे सोमवार के अधिपति देव हैं। इस तरह से सावन सोमवार शिव जी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा दिन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। सावन सोमवार का व्रत सच्चे मन से रखने से हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।